भारत फ्रेंड्स, कैसे हो सब? बढ़िया। चलिए तो आज के नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इन दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विद अवर केमिस्ट्री पोर्शन। इन दिस पोर्शन जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है उसके रिगार्डिंग, इसमें इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हम डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो सबसे पहले उसका इंट्रो एंड देन द डेफिनेशन ऑफ दैट एंड देन द फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, उसकी डिस्कशन इस लेक्चर के दौरान हम करने जाने वाले हैं। तो हमारा ये लेक्चर शुरू कर देते हैं। पे अटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बोला गया है, हियर यू कैन सी ओवर देयर, जो केमिस्ट्री है उसको मान लो एक सिंगल फॉर्म में, सिंगल स्टेटमेंट में मान लो डिफाइन करना है, तो उसको हम कैसा बोलेंगे कि भाई केमिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी करनी है, और उसमें भी किस चीज की स्टडी करनी है कि भाई मैटर जो है उसमें जो चेंज आते हैं, चेंज इट अंडरगोज, उसके रिगार्डिंग जो भी स्टडी होगी वो बेसिकली हमारे इस पोर्शन में, यानी कि केमिस्ट्री वाले पोर्शन में होगी। मैटर और उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इन द डेफिनेशन ऑफ मैटर दे सेज दैट इज द फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज, वी कैन से दैट। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग दैट दैट इज एनीथिंग दैट सॉरी एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पजेस मास, then that is called matter. Again, repeat my statement, pay attention. Anything that occupies space. आप लोग स्कूल में बेंचेस पे बैठते हो तो आप कुछ जगह ऑक्यूपाई करते हो, यस और नॉट? जो खाते पीते घर का होगा वो बड़ी जगह ऑक्यूपाई करेगा, और जो खाते पीते घर का नहीं होगा वो थोड़ी कम जगह ऑक्यूपाई करेगा, बट करेगा। ये रिमोट है, या फिर आपका कंपास बॉक्स है, आपका वाटर बॉटल है, आपकी बैग रहेगी, वो सभी चीजें कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। आप अपने सराउंडिंग ऐसे बहुत सारी डिटेलिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट ऑक्यूपाइड स्पेस, समझ रहे हो? और साथ में सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाइड कर देते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो तो इंपॉर्टेंट है, बट साथ में इट पजेस सम मास, उसका कुछ सर्टेन मास रहेगा, तो दैट इज नोन एज द मैटर इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट फॉर दैट, ऑल द थिंग्स विच वी आर सी और फील अराउंड लाइक एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, स्टोन, सैंड, आइस एक्सेट्रा आर टर्म एज मैटर। यहां मैंने कुछ ही चीजों को मेंशन किया, बट जैसे मैंने अभी अभी बताया, आप पूरा लिस्ट आउट कर सकते हो, और वो भी जो पूरा पेज होगा वो भी कम पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हमारे सराउंडिंग इतनी सारी चीजें हैं, सभी चीजों को हम इन फॉर्म ऑफ मैटर कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है ये बातें? पक्का? नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई ये फिजिकल प्रॉपर्टीज या ने जो है वो हमें आइडेंटिफाई कर लेंगे तो मैटर के रिगार्डिंग बहुत सारे हमारे जो डाउट है वो यहां क्लियर हो जाएंगे। सॉरी, पे अटेंशन अगेन। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दैट इज मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, वो पार्टिकल का बना है। यहां पर हम चॉक स्टिक की एग्जाम्पल लेके बात कर सकते हैं। चॉक स्टिक्स जो रहेगी तो वो चॉक पाउडर है, उन सभी पाउडर को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके पूरी स्टिक बनाएंगे। समझ में आ रही है बात कि भाई छोटे छोटे पार्टिकल्स दे आर कंबाइंड टूगेदर एंड मेक अ फॉर्म।
ऐसे बहुत एग्जाम्पल आप भी अपने हिसाब से वहाँ नोट कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपके लिए समझने के लिए वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट वी डिस्कस ओवर हियर। आगे बढ़े नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दैट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि भाई वो जो पार्टिकल रहेंगे उसके इन बिटवीन स्पेस रहती है। सर अभी वो कैसे देखेंगे हम, कैसे पता चलेगा कि भाई सर स्पेस है, आपने तो बोल दिया। चलो तो यहां पर लास्ट स्टेटमेंट आप रीड कीजिए। द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय फॉलोइंग एक्टिविटी, दैट मीन्स हम अभी आगे एक्टिविटी करने वाले हैं। बी पेशेंट। अभी सिर्फ आप जो प्रॉपर्टीज है उसको पहले समझिए एंड यूजिंग एक्टिविटी हम उसको क्या करेंगे, इलेबरेट कर देंगे ताकि समझने में आपको और क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो सबसे पहले सभी को वन बाय वन हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, आपको उसके रिगार्डिंग थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देंगे। चलिए नेक्स्ट थर्ड की ओर बढ़ते हैं। इन द थर्ड वन द सेज द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है भाई। इसमें हमने एयर भी ली, यहां आप देख रहे हो, तो एयर जो है हमारे सराउंडिंग घूम रही है भाई। वो गाना भी सुना है ना, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, तो वैसे ही वो कंटिन्यूअसली मूविंग गैसियस पार्टिकल्स, समझ रहे हो। आगे बढ़े। अभी फोर्थ वन, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल। इतना सा है भाई, कितना सा, इतना सा है। नेक्स्ट द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कुछ ऐसे कनेक्टेड है कि वो जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी जैसा है भाई, वो टूटेगी नहीं कुछ भी कर लो आप। और कुछ ऐसे है, मैं यहां तू वहां, हम दोनों के बीच के रास्ते बहुत अलग है, ऐसा कि उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं भाई, कनेक्ट जो उसका कनेक्शन है उसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। बट कुछ है उसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट, दे आर जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ ज्यादा अट्रैक्शंस है। जबकि कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलेंगे, मैटर मिलेगी जिसमें ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो इतना ज्यादा नहीं है। तो दिस फाइव आर फिजिकल नेचर, और वी कैन से दैट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आप स्टेट बोर्ड की बात कर लो तो ये आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस में पूछी भी जा सकती है। चलिए क्लियर है पांचों स्टेटमेंट को। अब उसकी एक्टिविटी वन बाय वन, जो भी फिजिकल नेचर आपको यहाँ बताए गए हैं उसकी एक्टिविटी हम करने वाले हैं यहाँ पर आपके सामने। और जहाँ पर आपसे, आपको घर पे भी कुछ ऐसे मटेरियल अवेलेबल होंगे जहाँ से आप ये एक्टिविटी घर पे खुद कर सको, तो वो भी यहाँ मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो चलिए आगे बढ़े इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बोला गया है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो अभी हमने आगे पढ़ा, जो फिफ्थ फाइव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें से वन ऑफ देम, उसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई उसके बीच जो स्पेस होगी उसके रिगार्डिंग यहाँ डिस्कशन है भाई। तो उसके लिए आप घर पे भी मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट दोहरा सकते हो, सिंपल है, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी मेंशन किया गया है, दैट मटेरियल इज सॉल्ट और शुगर एंड बीकर और वाटर। बीकर की जगह यहां पर आप ग्लास ले सकते हो। ओके चलिए, तो यहां पर मेरे पास बीकर अवेलेबल है। और यहां पर मैं सॉल्ट ले लेता हूं, शुगर की जगह NaCl जो सोडियम क्लोराइड हम बोल देते हैं वो सॉल्ट यहां पर मेरे पास अवेलेबल है। तो उस सॉल्ट में से सम अमाउंट ऑफ दैट वो मैं इस बीकर में क्या कर देता हूं भाई,
देखिएगा इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, दिख रहा है? ओके। और अच्छे से उसको मैं क्या करूंगा, ऐसे हिला रहा हूं, आप भी कर दीजिए, सिंपल है भाई। आप शुगर लेके कर दीजिएगा, बाद में पी लीजिएगा। समझ में आ रही है बात? पक्का श्योर? तो जो अच्छे से उसको ऐसे घुलाने, उसको हिलाने के बाद वो उसमें घुल मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है, वो बात ये है कि यहाँ पर आपने जो ग्लास ऑफ वाटर जो लिया है, उसमें मार्क कर दीजिए कितने लेवल तक वाटर फिलअप है। और फिर मान लो मैंने तो अभी थोड़ा सा डाला, आप 2-3 चम्मच डाल दो उसमें, नो प्रॉब्लम, 2 चम्मच तक डाल सकते हो। अब वाटर के हिसाब से वो देखिएगा, थोड़ा सा वाटर लेके उसमें ज़्यादा मत डाल दीजिएगा। वैसे तो समझदार है सभी आप, बट फिर भी इसमें मैंने जैसे डाल दिया, तो जो वाटर लेवल जो इनिशियली जितना मेरा था वो इतना था, यहाँ पर आप देखेंगे 60 जितना है शायद दिखे तो। ओके। तो वो एज इट इज रहता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। इसमें शुगर या फिर आपने सॉल्ट ऐड कर दिया है, तो उसमें जो लेवल जो है उसका चेंज नहीं होगा। वो जो लेवल है वो एज इट इज रहेगा वाटर का। तो वो आप ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी आपने लिया है और उसमें आप शुगर डाल के बाद में थोड़ा लेमन भी डाल दीजिएगा, तो मस्त लींबू शरबत हो जाएगा आपके लिए। बट कहने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं और जो यहाँ मेंशन किया गया है, कि जो पार्टिकल रहते हैं मैटर के, उसमें बीच में स्पेस रहती है। तो ये स्पेस, जैसे कि अभी आपने देखा वाटर है वो लिक्विड सब्सटेंस है, और जबकि सॉल्ट था वो सॉलिड था, पार्टिकल फॉर्म में था। तो जब उस पार्टिकल को मैंने लिक्विड में ऐड किया और फिर उसको अच्छे से हमने हिलाया, तो वो सारे जो सॉलिड पार्टिकल्स थे सॉल्ट के या शुगर के, वो सारे उसमें डिजोल्व हो गए। वो डिजोल्व होके गए कहाँ? लेवल तो इंक्रीज नहीं हुआ, बट वो डिजोल्व होके गए कहाँ? तो ये जो लिक्विड यानी कि जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसके इन बिटवीन स्पेस रहती है, उस स्पेस में वो सॉल्ट के या शुगर के जो पार्टिकल है वो डिजोल्व होकर सेटल हो गए। समझ में आ रही है बात? व्हाट आई वांट टू से कि भाई बीच में जो स्पेस रहेगी उसमें वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन, वाटर लेवल रिमेन सेम एज द अर्लियर, जो मैंने अभी अभी आपको डिस्कशन करते हुए बताया। एंड देन द कंक्लूजन, प्रोसीजर आप अपने हिसाब से ऑनवर्ड्स में वहां मेंशन कर सकते हो भाई। ओके। और कंक्लूजन में वी आर मेंशनिंग दैट व्हेन शुगर और सॉल्ट इज डिजोल्व इन वाटर, जब वो डिजोल्व हो जाएंगे, देन द पार्टिकल ऑफ देम गेट इन टू द स्पेस इज बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। यानी कि जो मैंने अभी अभी बताया कि भाई वाटर के पार्टिकल के इन बिटवीन जो स्पेस होगी, उसमें वो सारे क्या हो जाएंगे भाई, सेटल डाउन हो जाएंगे। यहां पर आप मिल्क और शुगर के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हो। मिल्क में आप शुगर ऐड कर दीजिए और फिर उसको अच्छे से हिला दीजिए, वो भी एज इट इज रहेगा, और फिर पी लीजिए। चलिए तो आगे बढ़े सेकंड एक्सपेरिमेंट की ओर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसमें हम जो डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, दैट इज मैटर ऑफ पार्टिकल्स जो है दे आर वेरी स्मॉल, छोटे छोटे हैं, इतने इतने से है। वो यहां हमें क्या करना है भाई, डेमोन्स्ट्रेट करने हैं भाई। तो उसके लिए हमारे पास यहां पर आपको बोला है, वी हैव जो मटेरियल्स रिक्वायर्स है, उसमें सबसे पहले रहेगा पोटेशियम परमैंगनेट। उसकी जो केमिकल फॉर्मूला रहेगी, जिसके रिगार्डिंग आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे केमिस्ट्री पोर्शन में, आपको उसके रिगार्डिंग थोड़ा पता चलेगा, दैट इज KMnO4। ये पूरा नाम है पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, और उसकी जो केमिकल फॉर्मूला रहेगी दैट इज KMnO4, वाटर एंड बीकर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाटर है ऑलरेडी बीकर में, और दिस वन इज दी पोटेशियम परमैंगनेट, यहां पर आप देख पाएंगे। ओके। तो इसमें से
थोड़ा सा मैं पोटेशियम परमैंगनेट लेता हूं, इतना लिया है भाई, और उस पोटेशियम परमैंगनेट को इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। चलिए, देख रहे हैं, एकदम से मस्त हो गया ना शरबत हमारा, देखते ही पीने का मन कर रहा है। वो एडवर्टाइज आती है ना, जी लल जाए और रहा ना जाए, उसके जैसा लग रहा है कि नहीं, एकदम बढ़िया कलर हो गया है। अब जो मैं करने जाने वाला हूं, देखिएगा, ये इसमें मैंने थोड़ा से KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स है, क्रिस्टल पार्टिकल्स, उसको ऐड किया, तो आप देख रहे हैं कि भाई पूरा ऐसे पिंक कलर हो गया है। अब इसमें से थोड़ा सा, हा? कितना सा, इतना सा, थोड़ा सा, ये जो दूसरा हमारे पास बीकर है यहां पर आप देख सकते हो, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा, ऐड कर रहा हूं थोड़ा सा ही। यहां पर आप लेवलिंग देखेंगे तो 75 ml तक का ही लेवलिंग है वाटर का, यहां पर मेंशन है शायद जो आपको दिख जाए तो। ओके, 75 ml तक का ही वाटर लेवलिंग है सभी मेरे पास जितने भी बीकर्स है उसमें। तो इसमें से मैं थोड़ा सा 5 ml या फिर हम मान लीजिए 10 ml तक का इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, देखिएगा अभी। सपोज मैंने 10 ml तक का इसमें ऐड कर दिया, तो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस यू कैन डिफरेंशिएट कि इसका जो कलर है वो डार्क पिंक दिख रहा है जबकि इसका लाइट पिंक है। क्यों क्यों बता पाएंगे आप में इसमें से कोई, कि भाई पहले हमने क्या किया कि भाई इसमें से इसमें डायरेक्टली KMnO4 के क्रिस्टल को ऐड कर दिया तो वो पूरा एकदम से डार्क पिंक हो गया, और इसमें से थोड़ा सा लेके मैंने दूसरे बीकर में डाल दिया। तो जो कहने का पॉइंट है, जो मेटल मैटर जो है उसके पार्टिकल है वो वेरी स्मॉल, तो वो वेरी स्मॉल यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई थोड़े से भी इसमें डालेंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। हाँ, इसमें मैंने जो डाले उसके हिसाब से इसमें बहुत कम है, और वो डायरेक्ट क्रिस्टल नहीं है, ये वाटर में से मैंने थोड़ा उसमें ऐड किया हुआ है। ओके, अभी मेरे पास थर्ड है ये वाला, अभी इसमें से और मैं थोड़ा 5 to 10 ml इसमें डाल देता हूं, तो अभी आप इन दोनों में देखिए चेंज दिख रहा है। तीनों को यहां साथ में ले लेते हैं ताकि आप प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर सको। ये सबसे पहले जो क्रिस्टल ऐड किया वो आप देख रहे हो डार्क पिंक है, इसमें से थोड़ा मैंने ये फर्स्ट बीकर में डाल दिया तो वो आपको थोड़ा ज्यादा उससे कम पिंक दिखेगा, और इसमें से थोड़ा डाल के इसमें मैंने डाल दिया तो ये एकदम से लाइट पिंक दिखेगा। समझ में आ रही है बात है पक्का? तो इस एक्टिविटी से हमें पता क्या चलेगा भाई, इस एक्टिविटी से वी आर आइडेंटिफाई कि भाई जो पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे हैं, तो इसी वजह से कि भाई सेकेंड बीकर में से जब मैंने थर्ड बीकर में थोड़ा सा 5 to 10 ml तक का वो KMnO4 का जो सॉल्यूशन बना था वो मैंने ऐड किया, तो उससे इतना ज्यादा कलर वहां देखने को नहीं मिला, बट कलर देखने को मिला, वो लाइट एकदम से लाइट पिंक हुआ, बट हुआ सही। क्लियर है? तो यहां पर प्रोसीजर जैसे मैंने आगे भी बताया वो आप अपने ओन वर्ड्स में वहां मेंशन कर सकते हो। नाउ द ऑब्जर्वेशन, द वॉटर इन द लास्ट बीकर इज स्टिल कलर्ड एंड इट इज लाइट पिंक, जो मैंने ऑलरेडी यहां मेंशन किया है कि ये जो लास्ट बीकर था तो एकदम से लाइट पिंक कलर उसमें आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? आगे बढ़े। कंक्लूजन, तो जस्ट 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जो मैंने डाला, वो पहले में कितना डाला था, थोड़ा सा ही डाले थे भाई, इम्पार्ट कलर टू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉटर। यहां पर कितना हमने वॉटर लिया था, 75 ml, तीनों में 75 75 और 75, और डाला पहले किस में, कितना क्रिस्टल पार्टिकल्स तो डाले वो इतु से ही डाले भाई। इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, इससे हमें पता चलेगा कि भाई वो एकदम छोटे हैं।
पहली एक्टिविटी से हमें पता चल गया कि वो कहीं पर भी अपनी जगह बना लेते हैं, दूसरी से हमें पता चला कि वो छोटे छोटे हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, बिफोर दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट इज डिफ्यूजन, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करना है। डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन की मान लो डेफिनेशन आपको बोलने को कहे तो वो ऐसी रहेगी कि भाई द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू सब्सटेंस ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगेन आई रिपीट द स्टेटमेंट, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल को क्या कर देने हैं, दे आर इंटरमिक्सिंग, एक दूसरे के साथ मिक्स होने वाला है, ऑफ टू सब्सटेंस ऑन देयर ऑन, दो सब्सटेंस के इंटरमिक्स होंगे खुद से, उसके खुद से, देन इट इज नोन एज द डिफ्यूजन। थोड़ा टिपिकल लग रहा है, एकदम अच्छे से इलेबरेट कर दूं। सुबह सुबह है उठ के नहा धो के हम पहला काम क्या करेंगे, अच्छे बच्चे हैं तब की बात है भाई, सभी को वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जो अच्छे बच्चे होंगे वो अच्छे बच्चे की तरह भगवान के पास जाके प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, हमें जो नया दिन दिया उसके लिए उसके उसका शुक्रिया अदा करेंगे। तो वो शुक्रिया अदा करते वक्त हम करते क्या है भाई, वहां पर धूप जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, तो जैसे ही उसको आपने जलाई, आफ्टर फ्यू मिनट्स उसकी जो स्मेल रहेगी, यस सराउंडिंग, वो मान लो पूरा रूम है या उसके बाहर भी कहाँ कहीं कितनी पोर्शन है, उसके हिसाब से वो स्मेल स्प्रेड हो जाती है, यस और नॉट, यस, बस तो वो ही डिफ्यूजन है भाई। क्लियर है अब, पक्का? आगे अभी एक्सपेरिमेंट में वही डिस्कस करने वाला है अभी, पक्का? श्योर, आगे बढ़ू अभी इसमें सेकंड पॉइंट पे। इन द सेकंड पॉइंट दे सेज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन हीटिंग। सब्सटेंस को हम ज्यादा हीट देंगे तो उसका जो डिफ्यूजन है वो और ज्यादा फास्ट होगा। सिंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज ऐसे तो वो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिक्स में ये टर्म्स आती है मोस्ट प्रोबेबली, बट काइनेटिक एनर्जी यानी कि कितनी रफ्तार से वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, दैट इज। तो अभी टेम्परेचर बढ़ गया है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो जो पार्टिकल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि वो तेज भागेंगे भाई, ऑफ पार्टिकल इंक्रीज एंड दे मूव फास्ट। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ेंगे और डिफ्यूज होंगे। नेक्स्ट, डिफ्यूजन अकर्स इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर में डिफ्यूजन देखने को मिलता है मेनली। आगे जैसे जैसे हम इस लेक्चर सॉरी इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो उस टाइम हम ये जो मैटर है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। इन दैट क्लासिफिकेशन उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा। तो उसमें जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें ये तीन उसके स्टेट रहेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। देयर आर टू और मोर स्टेट बट वो उस टाइम हम डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा बहुत मजेदार चीज है ये भी। ओके, द डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैस, गैसियस जो स्टेट रहेगा उसमें डिफ्यूजन सबसे ज्यादा फास्ट होगा। इसीलिए यहां मैंने ये जो धूप वाला एग्जांपल दिया वो इजीली आप आइडेंटिफाई कर दोगे भाई, क्योंकि जैसे ही आपने धूप वो जलाई पूरे वो जो मंदिर है उसका जो जितना एरिया है उसमें एकदम से अच्छी सी स्मेल क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। समझ में आ रही है बात? बिकॉज द पार्टिकल ऑफ गैस मूव वेरी रैपिडली, गैस गैस के जो पार्टिकल्स है
वो एकदम रैपिडली मूवमेंट करते हैं कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंस। समझ में आने वाली बात है, एकदम बढ़िया वाली, पक्का आगे बढ़ो अभी। यस, द डिफ्यूजन इज स्लोएस्ट। ये थी फास्टेस्ट वाली बात, दिस वन इज द फास्टेस्ट, दिस वन इज द स्लोएस्ट। तो स्लोएस्ट में आपको बोला गया है दैट इज इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे कम होंगे भाई डिफ्यूजन, क्यू ऐसा क्यू। तो उसके लिए बोला गया है कि भाई जो पार्टिकल्स रहेंगे सॉलिड में, दे डू नॉट मूव मच कंपेयर टू गैस। गैस में जितना रैपिडली मूवमेंट होती है, सॉलिड सब्सटेंस में इतनी रैपिडली मूवमेंट नहीं मिलेगी। ये मान लो ये सॉलिड ही है, इसके पार्टिकल ये पार्टिकल वहां घुमा यहां घुमा, ऐसा नहीं होता। जबकि गैसियस पार्टिकल हमारे सराउंडिंग ऐसे गोल गोल घूमते ही रहते हैं भाई, समझ रहे हो? आगे बढ़े। ओके, द डिफ्यूजन इन लिक्विड, ये जो लिक्विड वाला भाग जो पोर्शन रहेगा उसमें इन दोनों के इन बिटवीन इंटरमीडिएट स्टेज रहेगा कि इन लिक्विड दैट इज मच फास्टर देन दैट इन सॉलिड। सॉलिड से उसमें ज्यादा डिफ्यूजन होगा, फास्ट होगा, ज्यादा फास्ट होगा कंपेयर टू सॉलिड, और स्लोअर देन दी गैस। गैस से वो क्या होगा, लिक्विड में थोड़ा कम रहेगा, स्लो रहेगा। तो अगेन जो डिफ्यूजन पे याद रखने वाली जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, उसमें सबसे पहले हमने सेकेंड पॉइंट पे डिस्कस किया दैट इज द टेम्परेचर। इफ वी इंक्रीज दैट, यानी कि उसको हमने ज्यादा हीट दी, देन द डिफ्यूजन का जो रेट रहेगा वो भी ज्यादा होगा। और दूसरा कि भी तीनों स्टेट ऑफ मैटर में सबसे ज्यादा गैस, सबसे स्लोएस्ट डिफ्यूजन रहता है इन सॉलिड और इन लिक्विड, दोनों के इन बिटवीन, यानी कि सॉलिड से थोड़ा ज्यादा डिफ्यूजन का रेट रहेगा और गैसियस से थोड़ा कम रहेगा। पक्का श्योर? इसके एग्जाम्पल का डिस्कशन कर लेते हैं भाई। तो उसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको बोला गया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है बिफोर द एक्सप्लेनिंग द डिफ्यूजन, कि भाई अगरबत्ती करा दो आप, हाँ? तो यहां पर आप अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन मेंशन कर सकते हो, इजी है एकदम से। डिस्कशन तो ऑर्डरली हमने कर ही दिया है यहां पर। ओके, यहां पर एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट यहां मैंने बताया गया है विच वी आर परफॉर्मिंग हियर, दैट वन इज कि क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, हमारे पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं और पानी ले लेना है बीकर में, तो पानी ले लिया और ये क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, उसकी जो केमिकल फॉर्मूला रहेगी दैट इज CuSO4। ओके, दैट वन इज यहां पर मेंशन कर देते हैं, तो अभी इसमें से उसके थोड़े से सब्सटेंस को मैं क्या कर रहा हूं भाई, ये जो ब्लू सब्सटेंस जो आप देख रहे हो दैट इज CuSO4, उसमें से निकाल के उसको मैं यहां पर पानी में क्या कर रहा हूं भाई, ऐड कर रहा हूं और इसको अभी हिलाना नहीं है, इसको अभी मुझे हिलाना नहीं है भाई, कुछ देर उसको एज इट इज रख दीजिए आप, कुछ देर यानी कि 2 to 5 minutes मिनिमम आप उसको एज इट इज रख देंगे। तो यहां पर अभी आप देख रहे हो, मैंने तो 2 to 5 minutes बोला है बट अभी कितनी सेकंड हुई, बट आप देख रहे हो पानी जो एकदम पहले ट्रांसपेरेंट था वाटर, वो अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो यहां क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ कि भाई जैसे ही हमने ये जो कॉपर सल्फेट के सब्सटेंस को वाटर में ऐड किया, वो सारे सब्सटेंस खुद ब खुद डिफ्यूज होना शुरू हो गए और डिफ्यूज होके अब आप देखेंगे लाइट ब्लू कलर का पूरा वाटर जो है, हाँ, लाइट ब्लू कलर का वाटर यहां उसका कलरिंग आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात भाई, इजी है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट को तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया ही है, कौन सा वाला, जो आप घर पे करने वाले हो कि भाई
घर पे जाके भगवान को प्रार्थना कर दो भाई ऐसे ही, और ये अगरबत्ती जला के देख लीजिए कैसे वो डिफ्यूज हो रही है। पक्का श्योर तो समझ में आ रहा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग केमिस्ट्री, डिफ्यूजन। ओके आगे बढ़े तो फिर अभी नेक्स्ट इन दिस लास्ट, उसमें जो देखना है हमें ओके तो अभी इसमें जो हमें देखना है इन दिस वन, यहां पर जो एट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है पार्टिकल के इन बिटवीन, ऑलरेडी हमने आगे भी वो डिस्कशन किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट थ्रू यहां पर हम क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं कि भाई कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जहां एट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा, कुछ ऐसे हैं जहां सबसे कम, और कुछ ऐसा है कि वहां पर उसके साथ कुछ लेना देना ही नहीं है भाई। पकड़ा? चलिए तो आगे बढ़े इसमें। तो सबसे पहले उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायरमेंट चाहिए, ये आपको घर पे ही करना है भाई मेरे साथ। मैं तो यहाँ आपको बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, आपको मेरे साथ घर पे ये कर देना है पैरेलली। तो उसमें सबसे पहले आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक, आइस क्यूब एंड हैमर। क्लियर है? ये सारी चीजें घर पे अवेलेबल होगी ही होगी, ऐसी ही मैंने यहां मेंशन की है। ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, हैमर लेके ये जो पीस ऑफ चॉक लिखा है, यानी कि चॉक ऑफ पीस जो मान लो आपके पास अवेलेबल है, तो उसके ऊपर हैमर लेके एक जोर से फटका मार दीजिए भाई। क्या देखने को मिलेगा? वो जो चॉक स्टिक है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द पाउडर फॉर्म, यस और नॉट? है ना? ओके अभी उसी हैमर को आपको आइस क्यूब के ऊपर मारने हैं। जो फोर्स जितना हमने चॉक स्टिक पर हैमर को मारते वक्त अप्लाई किया था, उतने ही फोर्स से, और ज्यादा फोर्स से नहीं भाई। हाँ, फोर्स यहां पर रिमेन्स कांस्टेंट रहना चाहिए भाई, फोर्स में आपको चेंज नहीं करना है, बी क्लियर फॉर दैट। तो अभी आप देखेंगे कि भाई जितनी इजी तरीके से ये चॉक स्टिक जो थी वो क्या हो गई, पाउडर में कन्वर्ट हो गई, वैसी इतनी इजी तरीके से ये आइस क्यूब कन्वर्ट होगी वो छोटे छोटे पार्ट में। देखिए, और लास्ट में आयरन नेल ले लीजिए भाई, और उसके ऊपर मार दीजिए हैमर को एक और हथौड़ा। वो एवेंजर्स वाला हथौड़ा नहीं लेना है भाई, है ना? हाँ, देखा होगा आपने भी। तो यहां पर ये जो लास्ट सिचुएशन हमने डिस्कस की, तो उसमें क्या होगा, टूट पाएंगे? नहीं। तो यहां पर आप समझ सकते हो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव रहता है पार्टिकल के इन बिटवीन, तो ये जो आयरन नेल है उसमें सबसे ज्यादा फोर्स है भाई, इस वजह से वो टूटा नहीं। सामने आइस क्यूब है उसमें उससे कम है, इसलिए थोड़े ज्यादा फोर्स अप्लाई करके उसको हमने तोड़ दिया, और जबकि चॉक स्टिक जो थी उसमें तो सबसे ज्यादा कम था, इसलिए थोड़ा सा भी प्रेशर देके हम हाथों से भी चॉक स्टिक जो है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, उसके लिए हैमर की जरूरत नहीं है। तो वहां के जो पार्टिकल्स है उसके बीच ये जो एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो बहुत ही कम है। समझ में आ रही बात? पक्का? प्रोसीजर जैसे हमने यहां डिस्कशन किया, ऑब्जर्वेशन, इट इज वेरी इजी टू ब्रेक पीस ऑफ चॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इट रिक्वायर्स मोर फोर्स टू ब्रेक अ क्यूब ऑफ आइस। ज्यादा फोर्स लगेगा क्यूब ऑफ आइस को क्या करने के लिए, छोटे छोटे पीस में डिवाइड करने के लिए, एंड वेद आयन्स डज नॉट ब्रेक एट ऑल, वो टूटेगा
नहीं, फेविकोल का जोड़ है भाई, छूटेगा नहीं उसके जैसा। और लास्ट कंक्लूजन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ चॉक इज वीकर देन आइस, व्हाइल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ आयन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। समझ में आई बात? पक्का? श्योर? तो आगे बढ़े अभी? यस। तो इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मैटर। मैटर क्या है उसकी डेफिनेशन देखी, एंड देन उसकी जो फिजिकल नेचर्स है या फिर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी रिगार्डिंग डिस्कशन की, उसके रिगार्डिंग एक्टिविटी करके हमने उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी कि उसके नेचर को यहां समझना। ओके, तो फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और उसके क्लासिफिकेशन और उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास हमारा YouTube चैनल एज वेल एज Google Play Store पे हमारा जो ऐप है अद्वैत अचीवर्स करके, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके स्टडी रिलेटेड, मेनली फॉर 11th 12th स्टैंडर्ड, उसके लिए JEE और नीट के लिए जो सारे लेक्चर्स है वहां पर अवेलेबल है। आप उसको देखिए, समझिए। फाउंडेशन कोर्स के लिए भी हमारे सारे लेक्चर्स फॉर द 8 9 10 स्टैंडर्ड्स हमारी चैनल पे अवेलेबल है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी देख सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए स्टडी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।